हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं थायराइड के लिए बहुत खास इन्फॉर्मेशन। बहुत से लोग ऐसे हैं जो थायराइड से बहुत परेशान हैं, मेडिसिन खाते रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वही प्रॉब्लम दोबारा फेस करने लगते हैं। आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ वो इतना पावरफुल है, उसका नतीजा आपको 100% मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में। आपको इसे खाली पेट लेना है, किस तरीके से बनाना है, कौन सी चीज़ों का यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। घर पर ही आपको बनाना है, कहीं मार्केट से लेकर नहीं आना। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे बनाना है इसे। इस इलाज को बताने से पहले कुछ नियम बता देती हूँ। 3 ऐसे नियम हैं वो आपको फॉलो करने ही हैं। अगर आप उन्हें फॉलो कर लोगे तो थायराइड कभी नहीं होगा, और जिनको है वो दवाई वो ट्रीटमेंट का असर डबल कर देगा। वो 3 नियम कौन से हैं? सबसे पहला है, घर से रिफाइंड ऑयल बिल्कुल हटा दीजिए। न सोयाबीन न सूरजमुखी, कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं, सिर्फ आप सरसों के तेल का ही यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़, आयोडीन नाम से बिकने वाला जो जहर है उसे भी बंद कर दीजिए। उसकी बजाय आपने सेंधा नमक का यूज़ करना है। सेंधा नमक हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तीसरी चीज़ है, दाल को उबालते टाइम वो फेना जैसी चीज़ जो आती है उसे हटा दीजिए। यानी 5 मिनट दाल को खुला बॉयल कीजिए और उस फेना जैसी चीज़ को हटाकर पानी चेंज करके नॉर्मल तरीके से दाल को बना लीजिए। इन 3 नियमों का अगर आपने पालन कर लिया तो थायराइड किसी को नहीं होगा। इसके अलावा अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको मुट्ठी भर हरा धनिया लेना है। धनिया बहुत पावरफुल है थायराइड को ठीक करने में। दूसरी चीज़ आपको लेनी है गाजर। गाजर में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन होता है। वो न केवल आँखों की रोशनी को बढ़ाता है बल्कि थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है। आपने दिन में इस 1 गाजर का यूज़ ज़रूर करना है। इसमें बहुत सारा आयरन होता है, बहुत सारा फाइबर होता है जो थायराइड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब आपने गाजर का यूज़ किस तरीके से करना है, 1 गाजर लेनी है और इसके अलावा आपने 1 खीरा लेना है। जिन लोगों को भी थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें सलाद में खीरा और कच्चा खीरा वैसे ही खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो लोग थायराइड पेशेंट लोग अगर खीरा खाएंगे तो उनका थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा। चौथी चीज़ है अलसी, वो भी पाउडर बनी हुई, पिसी हुई अलसी। पिसी हुई अलसी में बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है जो कि थायराइड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस ट्रीटमेंट में हम ये 4 चीज़ें ले रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम मुट्ठी भर हरा धनिया, दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं गाजर 1, तीसरी चीज़ हम ले रहे हैं 1 खीरा, चौथी चीज़ हम ले रहे हैं अलसी पाउडर। इन 3 को मिक्स कर लीजिए। यानी कि आपने गाजर का तो जूस निकाल लेना है, खीरे का भी जूस निकाल लेना है, धनिए का भी जूस निकाल लेना है और 1 चम्मच पिसी हुई अलसी बीच में मिक्स कर देनी है। सुबह खाली पेट आपने इसे ले लेना है। 15 दिन में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि थायराइड कंट्रोल हो जाएगी। बहुत खास इन्फॉर्मेशन है, बहुत से लोग इससे परेशान हैं, स्पेशली लेडीज़ तो बहुत परेशान हैं। थायराइड उनको ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, थकान कमजोरी ये प्रॉब्लम उन्हें रहने लगती है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।